पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित होते ही प्रशासनिक अमला चुनाव की तैयारी में जुटना शुरू हो गया है। लोकसभा आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जनपद में राजनीतिक बैनर पोस्टर हटाने का कार्य तेजी से शुरू हो गया। रविवार की रात हाईवे किनारे लगे राजनीतिक पार्टियों के बैनर पोस्टर टीम द्वारा उतारे गए, तो वहीं जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे लगे राजनीतिक पार्टियों के बैनर पोस्टर को पुलिस की टीम द्वारा उतारा गया। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर सहित हाईवे पर लगे सभी राजनीतिक पार्टियों के बैनर पोस्टर को हटाने का कार्य पुलिस द्वारा किया गया और संगीत वाहनों की चेकिंग की गई। आचार संहिता को लेकर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। चुनाव आचार संहिता के पालन के लिए प्रत्येक थाना स्तर पर पुलिस एवं मजिस्ट्रेट की फ्लाइंग स्क्वाड FST एवं सर्विस लाइन SST टीमों का गठन किया गया है, जो भ्रमशील रहकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन कराएंगी। पुलिस जो बैनर हटा रही है, किस लिए हटा रही है बैनर, क्या मामला है? ये मुंडा पांडे पुलिस आचार संहिता लग गई, इस कारण हटा रही है। कहाँ से कहाँ तक हटाएं? यहाँ से अड्डे से अभी तक आगे निकल गए, ये नहीं मालूम कहाँ तक हटाएं। कौन सा रोड है? दलपतपुर वो काशीपुर रोड है।